हमारे भारत में एक धारणा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। हेलो, आई एम फिरोज आलम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहरू चिल्ड्रन एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों के लिए एक रूटीन लेके आ रहा हूँ, जिसको फॉलो करके बच्चे अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधार कर सकते हैं। तो आइए मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं अब अपने इस रूटीन के टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस रूटीन की मेरा जो पहला टॉपिक है वो है एक्सरसाइज। व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू मस्ट एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जब ही हम सुबह में जगते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सरसाइज जो है वो, इसको मैंने बेसिक एक्सरसाइज को तीन डिवाइड में किया है, जिसका नाम है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और इसमें इसको हिंदी में प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राणायाम, ये तीन तरह की बेसिक एक्सरसाइज के बारे में मैं बताऊंगा। तो पहली उसमें है भस्त्रिका, ये पहली एक्सरसाइज है भस्त्रिका। दूसरी जो टॉपिक है भस्त्रिका, और दूसरी है वो है कपालभाति, और जो तीसरी है उसका नाम है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। तो ये तीन एक्सरसाइज है जो हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन करना जरूरी है। तो आइए चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अपने पहले इस एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सांस को अंदर खींचते हैं, फिर कुछ देर तक होल्ड करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। तो इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको करके बताता हूं, उसके बाद मैं इसके लाभ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले अपने एक्सरसाइज की पोजीशन में आ जाते हैं, जो योगासन के एक्सरसाइज का पोजीशन है, इस पोजीशन में हम आ जाते हैं। इसके बाद से हम सबसे पहले सांस को खींचेंगे, तो दोस्तों ये रहा भस्त्रिका। पहले हम सांस खींचते हैं, कुछ देर रखते हैं, फिर इसको बाहर करते हैं। दोस्तों इसका लाभ क्या होता है, यह फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आंख नाक एवं कान के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है, और यही नहीं बल्कि यह शरीर की जो गर्मी होती है उसको और लो बीपी को कंट्रोल करता है। तो ये हो गए हमारे भस्त्रिका एक्सरसाइज के लाभ। जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति हम कैसे कर सकते हैं, ये कपालभाति करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि भस्त्रिका को आप थोड़ा सा तेज में भी कर सकते हैं, जैसे इसको हाफना कहा जाता है, आप ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर इसको ये भी भस्त्रिका में ही आता है, तो ये इसको भी आप कर सकते हैं। अब आइए हमें कपालभाति के बारे में बताएं। तो कपालभाति हम कैसे करते हैं, कपालभाति भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन इसमें हमको जल्दी लेके और जल्दी खींचना होता है तेजी में, ये इसको स्ट्रोक्स कहा जाता है। तो आप इसमें अनगिनत स्ट्रोक्स कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कैसे करना है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले हम पोजीशन ले लेंगे, और पोजीशन में आके तब दोस्तों ये हो गया हमारा स्ट्रोक्स, आप जितना स्ट्रोक्स चाहे आप कर सकते हैं। तो ये कपालभाति हो गया। इसके फायदे क्या होता है, यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, अस्थमा रोगियों को बहुत राहत मिलती है, आंख कान और नाक के जो भी रोगी होते हैं उनको इस एक्सरसाइज करने से राहत मिलती है, और यह एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाता है। दांत नाक कान और बालों से जो समस्या होती है तो उसको ये एक्सरसाइज करने से कंट्रोलिंग मिल जाती है। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो सांस की समस्या होती है, इस एक्सरसाइज करने से सांस की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों इसका हानि भी है, अगर इसको हम
तरीका से न करेंगे या इसमें अगर हम गलती करते हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल समस्या को बढ़ा देता है और ये न्यूरोलॉजी से संबंधित हमें रोग हो जाता है। अब मैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। तो अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, हम अपने लेफ्ट जो नोस्ट्रिक होता है, नाक का जो राइट वाला छिद्र को होता है उसको राइट नोस्ट्रिक कहते हैं और लेफ्ट वाला जो छिद्र होता है उसको लेफ्ट नोस्ट्रिक कहते हैं। तो सब इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट नोस्ट्रिक को क्लोज करते हैं, राइट नोस्ट्रिक से सांस लेते हैं, सॉरी राइट नोस्ट्रिक को क्लोज कर देते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिक से सांस लेते हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिक को क्लोज कर देते हैं और राइट नोस्ट्रिक से सांस छोड़ते हैं। तो चलिए हम इसको कैसे करना है शुरू करके बताते हैं। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन में क्या होता है कि हम राइट नोस्ट्रिक से सांस लेते हैं फिर लेफ्ट नोस्ट्रिक से छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिक से सांस लेते हैं राइट नोस्ट्रिक में छोड़ते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको करके बताता हूं। इसको आप जितना बार चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप सिर्फ 10 बार ही मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा करना थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसमें जो दमा के पेशेंट होंगे उनको और खांसी और सांस से प्रॉब्लम जिनको होती होगी वो इसको तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ठीक नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको जो भी इसमें क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मस्तिष्क।